एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज है मेरी फ्रेंड की वेडिंग, तो अभी उसका मेकअप स्टार्ट होने ही वाला है, अभी वो आई नहीं है। तो उससे पहले मैं जो करा रही हूँ अपने आयनिंग कर्ल्स, बिकॉज मुझे भी अटेंड करनी है वेडिंग। तो फिर हम करेंगी हिमानी का मेकअप, देन उसके बाद हम लोग जाएंगे वेडिंग में सारी फ्रेंड्स। आज काफ़ी टाइम के बाद हम सारी कॉलेज फ्रेंड्स मिलेंगी, मतलब ऑलमोस्ट 1 ईयर से ज़्यादा हो गया हम लोग मिले नहीं है, तो आज हम लोग मिलेंगे। और कितने फ्रेंड्स तो ऐसे हैं जो कॉलेज के बाद हम मिले ही नहीं है, तो आज हम सब लोग मिलने वाले हैं, तो काफ़ी मज़ा आएगा इस व्लॉग में। हस्बैंड आ चुके हैं देखो यहाँ पे सैलॉन पे, तो बस अब ये एज यूजुअल यहाँ पे आके यही काम ढूंढते हैं कि जो जो हमने नहीं करा होता है, तो हम यही रह गया था हमारा, बस हमें स्प्रे करनी थी प्लांट्स में, तो यहाँ पे ये कर रहे हैं स्प्रे। हम कुछ नहीं करते हैं। अच्छा तो काफ़ी लेट हो गया है हिमानी को आने में, तो अभी बच चुका है 1:30 और अभी हम पहले कर रहे हैं फेस की क्लेंजिंग, फिर हम स्टार्ट करेंगे मेकअप। तो हिमानी की मतलब फेस क्लीन हो चुका है, तो उसके बाद हमने यहाँ पे लगा दी है सारी वैनिटी, तो बस अब हम लोग जो है मेकअप स्टार्ट ही करने वाले हैं। तो अभी बज चुका है 1:30, तो फिर मतलब महिला संगीत तो 3 बजे से अप्रॉक्स हो ही जाता है, तो फटाफट से हमें उसका कंप्लीट करना है मेकअप एंड ऑल, क्योंकि 1:30 आ रही, मतलब 1.5 घंटा ही हमारे पास है। तो यहाँ पे मेकअप हो चुका है ऑलमोस्ट कम्प्लीट, बस अब ड्रॉप आई शेडो बचा हुआ है और फाइनल होने वाला है ऑलमोस्ट, बस हम सेटल्स पे डालना है। तो मैम बताइए कैसा लग रहा है आपको लुक अपना? हिमानी का मेकअप तो हो चुका है कंप्लीट, तो अभी हिमानी का चल रहा है हेयर डू, तो अब मैं भी हो रही हूँ रेडी, बिकॉज साथ साथ में ही हो जाएगा उसके हेयर जब तक होंगे, तो मैं भी रेडी हो जाऊँगी, बिकॉज हेयर तो मैंने कर लिए थे, मतलब आयनिंग कर्ल्स मेरी हो गई थी, तो अभी बस मैंने क्रैचर लगा के पीछे करा हुआ है, बिकॉज मेकअप में हेयर आगे आते हैं, तो मतलब पूरा फोकस नहीं हो पाता, तो मैं अब कर रही हूँ पहले जो है अपना फेस वाइप। वैसे तो मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया था, बस मॉइस्चराइजर लगाया था और हल्का सा मैंने एक लिप शेड लगाया था, तो अब मैं करूँगी बिल्कुल अपना बहुत लाइट सा मेकअप। अभी कोई आ गया है तो यहाँ पे भी मेरा स्टाफ आया हुआ था, तो फिर बस मेरा मेकअप भी ऑलमोस्ट रिमूव हो चुका है, तो अब मैं यूज़ करने वाली हूँ ये अरोमा मैजिक का फेस टोनर। ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि मतलब फेस टोनर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे फेस के लिए अगर हम मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज स्किन टाइप इज सो इम्पॉर्टेंट। तो जब तक मेरा ड्राई होगा, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मेरे को क्या करना है, मेरी ड्रेस है ग्रीन कलर की, तो मैंने ये ग्रीन ही जो है नेल पेंट भी लगा ली है, तो वो मैं कुर्ता सेट वेयर करने वाली हूँ, तो मैं करूँगी कुछ ब्राउन शेड में अपना हल्का सा मतलब आई शेडो लगाऊंगी, आई मेकअप मेरा हो जाएगा, उसके बाद जो है मैं हल्का सा अपना बेस कंप्लीट करूँगी, देन लिप शेड, फिर मैं हो जाऊँगी ऑलमोस्ट रेडी। सो मेरा टोनर जो है ड्राई हो चुका है, तो अब मैं यूज़ करने वाली हूँ ये सेटअप हल्का मॉइस्चराइजर। पहले अपनी बिंदी निकाल देती हूँ तो रह गई थी। अच्छा गर्मी को दिन है और मेरा फेस इतना ड्राई है नहीं, तो मैं बहुत हल्का सा लगाऊंगी। तो मॉइस्चराइजर भी मेरा पूरा लग चुका है, और वैसे मेरे फेस को कोई भी करेक्शन की ज़रूरत नहीं होती थी, बट यहाँ पे जो है मेरे पिंपल्स हुए, तो मेरे मार्क्स भी नहीं पड़ते थे, बट इस बार जो है मेरे यहाँ पे थोड़े से मार्क्स पड़ गए, तो मैं यहाँ पे करूँगी अपना हल्का सा करेक्शन, उसके बाद फिर हम करते हैं अपना मेकअप स्टार्ट। तो मैं ले लेती हूँ यहाँ पर ब्रशेस, इस साइड पर तो ऑलरेडी है ही। ओह, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है प्राइमर, इसे मैं स्किप कर रही हूँ। जब और पार्टी मेकअप होते हैं तब तो मुझे बिल्कुल 1 to 1 पूरा एग्जैक्ट याद रहता है, बट अपना जो है मैं ऐसा मेकअप बहुत कम करती हूँ, तो अपने फेस पे जो है थोड़ा सा भूल जाते हैं, क्योंकि रोज़ जो है मैं मॉइस्चराइजर लगाती हूँ एंड उसके बाद में केवल जो है बीबी क्रीम अप्लाई कर लेती हूँ, तो बस वही मुझे आदत पड़ी है कि मॉइस्चराइजर के बाद सीधे मैं अपना बेस लगा लूँ। बट अभी मैंने कवर किया है पूरा प्राइमर से, बिकॉज अगर हम कुछ भी मेकअप वगैरह करते हैं तो पहले प्राइमर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये स्किन में कोटिंग मतलब कर देता है, तो जिससे जो है हमारे कोई भी फाउंडेशन वगैरह का कुछ भी अगर इफेक्ट होना होता है
कोई भी हार्म हो जाता है स्किन पे तो वो नहीं होता, बिकॉज माई सो प्राइमर इज सो इम्पॉर्टेंट। मेरा प्राइमर भी हो चुका है, तो प्राइमर लगाने के बाद कुछ देर वेट करेंगे बिकॉज ये थोड़ा सा स्किन में एब्जॉर्ब होना चाहिए। तो उसके बाद तब तक मैं निकाल लेती हूँ अपने आई ब्रशेस। तो मोस्टली मेरे जो है, जब मैं खुद का मेकअप करती हूँ तो मेरा दो ब्रशेस में काम चल जाता है। मुझे नीड है नहीं, एंड ये निकाल दिया मैंने अपना जो है करेक्शन वाला ब्रश, तो फिर मैं करूँगी करेक्शन। यहाँ पे मेरे थोड़े से जो मार्क्स हैं तो यहाँ पे मैं करेक्शन कर दूँगी। मैंने थोड़ा जो है अंडर आई पे भी अपना करेक्शन करा था। आजकल मेरे डार्क सर्कल्स हो गए हैं, पता नहीं फेस पे क्या ही हो रहा है। एक तो पिंपल्स के निशान भी पड़ गए, ऊपर से मेरे डार्क सर्कल्स भी हो गए हैं हल्के से। तो फिर बस मैंने थोड़ा सा यहाँ पर अपना करेक्शन कर लिया है, एंड थोड़ा सा जॉ लाइन में, क्योंकि हमारी जो जॉ लाइन होती है यहाँ पर तो हमेशा डिस्कलरेशन होता ही है। ये ऑलमोस्ट मतलब सारे जितने क्लाइंट्स आते हैं, हर किसी का, चाहे किसी की स्किन कितनी भी फेयर क्यों ना हो, बट जो जॉ लाइन हमारी होती है तो यहाँ पे हमारा डिस्कलरेशन होता ही होता है। तो मेरा जो है करेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। सो नाउ आई विल डू माय बेस। सो आई विल बी यूजिंग दिस नार्स फाउंडेशन। दिस इज़ एन इंटरनेशनल फाउंडेशन और इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, तो बस मैं इसे अप्लाई करूँगी। तो पहले मैं थोड़ा सा इसको अपनी पैलेट पर ले लूँगी, और ये जो शेड है ये एग्जैक्ट मेरे स्किन टोन का है, तो मैं डायरेक्टली जो है इसे अप्लाई कर लूँगी। तो मुझे जो है कोई भी शेड बनाने की एज इट इज़ ज़रूरत नहीं है, और केवल जो है इतना सा जो ड्रॉप दिख रहा है आपको, ये देखिए, केवल इतना सा मैं अप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि ये जो है मतलब थोड़ा सा ही यूज़ करो काफ़ी हो जाता है, और इतना मुझे नीड है नहीं, बिकॉज मैं बहुत हल्का सा ही करने वाली हूँ। वैसे तो मैं बीबी क्रीम ही लगा लेती, बट अभी मैंने करेक्शन करा हुआ है तो मुझे फाउंडेशन की नीड होगी। तो जहाँ पे मैंने करेक्शन किया है उस एरिया पे जो है मैं पहले लगा लेती हूँ, क्योंकि वही मुझे मोस्टली कवर करना है। तो मेरे पूरे फेस पे जो है एप्लीकेशन हो चुकी है, तो मैंने बहुत डॉट डॉट्स पे लगाया है, तो मैं आप जो ये मेरा ये वाला ब्रश है तो उससे जो है मैं कर दूंगी यहाँ पे। ब्रश से ना हमारी ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छी होती है। तो मेरा मेकअप यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट, तो बस अब मैं वेयर करती हूँ अपनी ड्रेस, और हेयर डू भी ऑलमोस्ट होने ही वाला है, तो हम दोनों साथ ही टाइम पे रेडी हो जाएंगे हिमानी और मैं। बस फिर थोड़ा फोटोशूट चलेगा, बिकॉज फोटोज तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं ब्राइड की, तो उसके बाद फिर मैं रेडी होती हूँ और उसके बाद हम लोग चलेंगे। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, तो मैंने जो है ड्रेस भी अपनी वेयर कर ली है। तो मैंने यहाँ पे किया है चूड़ा वेयर और ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। तो मैंने जो है नेकलेस भी मंगाया था, बट वो इसके साथ मैच नहीं हो रहा, बिकॉज मंगलसूत्र पहनना तो इंपॉर्टेंट है, तो वो दोनों मतलब काफ़ी जा नहीं रहे आपस में। अगर मेरा ब्लैक कलर का चले होता तो शायद वो फिर भी जाता, और मतलब मेरा लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो अभी दिखाऊंगी अपना फाइनल लुक। सो बैक मिरर में दिख रहे हैं मेरे हेयर्स, तो मतलब मैं हिमानी भी हो चुकी है रेडी। तो हमने इसका बनाया है एडवांस हेयर डू, और पीछे से हमने जो है इसके ब्रेड्स करे हुए हैं, ब्रेडिंग करी हुई है, तो काफ़ी प्रिटी लग रही है ये। तो बस अब हम लोग निकल चुके हैं, और ये है मेरी ब्राइड, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्रिटी लग रही है। तो बस और हमारे सारे फ्रेंड्स भी आ चुके हैं, फिर हम लोग अभी जाएंगे और हम काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं। ब्राइट तो बहुत खुश है, देखो मुझे तो इनविटेशन दिया ही नहीं। नहीं नहीं, आपको भी है ना, आप भी चलो, लेडी संगीत में नहीं आ रहा है, शाम को आना है। ब्राइट और देखो कितनी प्यारी लग रही थी, प्रिटी सी लग रही है, और हम लोग चल रहे हैं अभी। अब मैं पहुंच चुकी हूँ स्टूडियो, तो काफ़ी थकान सी हो गई है, और फंक्शन तो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी मज़ा आया, हम सारे फ्रेंड्स मिले और हम लोगों ने ग्रुप डांस भी किया। बट उतना मतलब फ्रेंड्स के साथ वीडियो शूट वहाँ पर हो नहीं पाया, क्योंकि मतलब गाने की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ वगैरह थी, तो उतना वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, और मेरा मेकअप भी पूरा क्रैक हो गया, बिकॉज खाना वाना खा के लिपस्टिक भी पूरी क्रैक हो गई है। तो अब मैं करने वाली हूँ
सबसे पहले फेस वॉश और मैं करने वाली हूँ चेंज, देन उसके बाद बैक टू वर्क। फिर अभी मेरे जो है पार्टी मेकअप्स हैं एंड ब्राइडल मेकअप है, तो फिर मैं होती हूँ दोबारा से रेडी, चेंज करते हैं और मेरी ब्राइड भी आने ही वाली होगी। बस ब्राइड का यहाँ पे मेकअप हो चुका है, तो अब चल रहा है मैडम का हेयर डू और यहाँ पे मेरी पार्टी मेकअप्स, तो यहाँ पे भी हेयर हो रहा है। हैप्पी मैरिड लाइफ और कॉन्ग्रेचुलेशन वहाँ के भी यहाँ के भी दोनों जगह। थैंक यू बाय।